नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं खास खबर। लाल किला पर 26 जनवरी को जो हुआ उसने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। उसी दिन के बाद से दीप सिद्धू पर सबकी नजर थी और तभी से दिल्ली पुलिस दीप सिद्धू की तलाश में थी, क्योंकि 26 जनवरी की घटना का मुख्य आरोपी दीप सिद्धू ही था। जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आखिरकार दीप सिद्धू को पंजाब के जीरकपुर से गिरफ्तार कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में किसानों के आंदोलन को 75 दिन से ज्यादा हो गए हैं। इस बीच दिल्ली पुलिस से 26 जनवरी में हुई दिल्ली हिंसा के मास्टरमाइंड दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया है। 3 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने दीप सिद्धू, जुगराज सिंह समेत 4 लोगों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया था। ये लोग लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराने और लोगों को हिंसा के लिए उकसाने में शामिल थे। दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। 26 जनवरी के बाद से मुख्य आरोपी दीप सिद्धू फरार था। हालांकि दीप सिद्धू के अलावा पूर्व गैंगस्टर लखा सिधाना और लाल किले पर झंडा फहराने वाला जुगराज अभी भी लापता है, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि दीप सिद्धू है कौन। कौन है दीप सिद्धू? दीप सिद्धू पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा है। किंगफिशर मॉडल हंट का विजेता रह चुका है दीप सिद्धू। 2015 में पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी दीप सिद्धू की रिलीज हुई थी। 2018 में फिल्म जोरा दास में दीप सिद्धू ने निभाया था गैंगस्टर का रोल। इतना ही नहीं, दिल्ली हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू ने फेसबुक पर लाइव होकर किसान नेताओं को खुली चुनौती दी थी। बार बार गद्दार कहे जाने से नाराज सिद्धू ने किसान नेताओं को कहा था कि अगर उसने अंदर की बातें खोलनी शुरू कर दी तो इन नेताओं को भागने की राह नहीं मिलेगी। इस बात को डायलॉग न समझे। ऐसे में दीप सिद्धू की गिरफ्तारी के कई मायने भी निकाले जा सकते हैं। क्या ये खुलासे कर सकता है दीप सिद्धू? आंदोलन की आड़ में खालिस्तानी साजिश का खुलासा, विदेशों से चल रही साजिशों का खुलासा, आंदोलन में सक्रिय रहे कई चेहरों का सच भी सामने आ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ साजिश का खुलासा हो सकता है। दीप सिद्धू पुलिस के सामने कर सकता है कई अहम खुलासे। बता दें, लाल किला पर धार्मिक झंडा फहराने और दंगा फहराने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने देशद्रोह और UAPA के तहत मामला दर्ज किया था। मामले की जाँच दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस के दिन किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा हुई थी। प्रदर्शनकारी लाल किले में भी घुस गए और वहां ध्वज स्तंभ का धार्मिक झंडा लगा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। खास खबर में आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।